ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। साल बाद में यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ अररिया का एसपी था। उस वक्त फारबिसगंज में गोलीकांड हुआ था और एक रायट लाइक सिचुएशन थी। तब मेरा पोस्टिंग वहाँ से पटना सिटी एसपी से यहाँ किया गया था और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था अररिया का। और एक दिल से जुड़ा होता सारी, और आप लोगों के फेसेस देख के भी सारी मेमोरी ताज़ा हो गई, सारे केसेस मुझे याद आ गए। आप लोगों का उस वक्त सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा था। और मैं ये खुल के बोल सकता हूँ कि अभी तक मेरे करियर में, मैंने मुंबई में भी काम किया, पटना में भी काम किया, मुजफ्फरपुर रेंज में भी एज आई जी के तौर पर काम किया, तीन चार डिस्ट्रिक्ट में एसपी के तौर पर भी काम किया, लेकिन जो अररिया का मीडिया जो मुझे कोऑपरेटिव लगा और एक सोसाइटी के लिए जो हेल्पफुल रहा है पुलिस के लिए हमेशा, वो मुझे कहीं पर नहीं दिखाई दिया। और रही बात यहाँ के अभी सिचुएशन की, जो एक डिकेट के बाद, एक दशक के बाद जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन दिख ही रहा है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट भी दिख रहे, काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो समस्या है वो पूरे, मुझे लगता है कि ये के सीमांचल की समस्या दिख रही है मुझे। स्मैक का सेवन जो यंगस्टर्स वाला, ये एक एक, एक जनरेशन को बर्बाद करने का जो शुरुआत है, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से ही शुरुआत हुआ है। और ये मुजफ्फरपुर में भी था स्मैक और इसका जो ड्रग्स का सेवन, कोडिंग फॉस्फेट जो कोरेक्ट होता है उसका सेवन, लेकिन इस रेंज में मुझे काफ़ी थोड़ा उसका जो मात्रा वो ज़्यादा दिख रहा है। जो एडिक्ट है उनकी संख्याओं की जो एक प्रिलिमिनरी बातचीत के दौरान पता चलेगी, वो भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है एक चैलेंज है ये यहाँ पे, और मेरे चारों जिला के एसपी इसको प्राथमिकता से निपटाएंगे, ये मुझे विश्वास भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मैं आईजी पूर्णिया के रेंज के तौर पे आया हूँ, तो हमेशा एसपी की जो होती है एक इंस्टीट्यूशन होती है, संस्था होती है, मेरी भूमिका एसपी की जो संस्था है, जो यहाँ पे एसपी अररिया अमित है, तो उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मार्गदर्शन करना, जहाँ पे उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे सपोर्ट देना, उसको एक अच्छा पदाधिकारी के तौर पे, लोगों में एक अच्छी इमेज के तौर पे, जहाँ पर भी मेरी जिस भी टाइप से हेल्प चाहिए वो देना, यानी इन नटशेल मुझे एक अभिभावक की तरह यहाँ पे भूमिका निभानी है। और कोई बात ऐसी होती कि जो डिस्ट्रिक्ट कप्तान का जो होता है ज्यूरिडिक्शन होता है, जैसा अमित का ज्यूरिडिक्शन अररिया डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइज क्राइम की गैंग है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करती है, इंटर स्टेट काम करती है, तो उसमें मैं खुद को इनिशिएट करके कार्रवाई कर सकता हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज को साथ में लेकर। और आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। सर, आप जब यहाँ थे तो आर्थिक अपराध आपके निशाने पर था? मुझे लगता है कि आज भी वही है। आर्थिक अपराध जो है पूर्णिया पूरे रेंज में आर्थिक अपराध की एक जड़ें है यहाँ पे, और उसी को खोदने की ज़रूरत है। मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी तो वही थी आर्थिक अपराध की। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त एग्जांपल के तौर पे इंदिरा आवास को कोई ख्याल ही नहीं करता था, जैसा पैक्स के माध्यम से इंदिरा आवास का पैसा निकलता था। मुझे आज भी याद है कि उसमें करीबन 74 एफ आई आर मैंने करवाए थे और 250 से ज़्यादा उसमें अरेस्टिंग हुई थी। और उस अरेस्टिंग में एसडीओ से लेकर जो भी सरकारी पदाधिकारी से लेकर बैंक के जो पदाधिकारी थे उनकी भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। बाद में एक यहाँ पे जो जड़ होता है लैंड डिस्प्यूट का, उसका भी यहाँ रैकेट चल रहा था कि फर्जी जो केवाला बनता था उसमें भी काफ़ी एक्शन हुआ था। यहाँ पे कपरखोड़ा में भी इशू हुआ था ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन का, जो कि एक स्कैम उद्भेदन किया था। तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई है, अभी वो गिनाते नहीं बैठता हुआ है, लेकिन है यहाँ पे एक आर्थिक अपराध को एक अलग डायमेंशन से देखने की ज़रूरत है। और मुझे ये अच्छा लगा कि फारबिसगंज का जो एक इंडस्ट्रियल यूनिट था जहाँ पे रायट हुआ था, रायट के बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी, आज वो सुचारू रूप से देखा मैंने कि चल रहा है, तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। और एक आप ही के माध्यम से जानकारी मिली, हालांकि मुझे पता नहीं था, ये जैसे आप डिस्कशन कर रहे थे अमित के साथ तो आप ही ने बताया कि सर जेल तो वहाँ पर अच्छा बनाया गया, तो यहाँ के तब जब जेल की हालत भी बहुत बुरी थी, ओवर क्राउडेड था जेल में, हमारा इंस्पेक्शन होता था, विजिट होती थी, तो उसमें एक्चुअली उनके ह्यूमैनिटी को देख के, यानी उनके वो जो वहाँ का रहन सहन देख के, वहाँ पे लिटरली हमको दया आती थी। हालांकि वो क्रिमिनल थे, लेकिन अब अच्छा लगा कि उनको भी एक अच्छे जगह पे शिफ्ट किया गया है।
और क्रिमिनल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है जिसके लिए मैंने फाइट किया था वो था पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन यहाँ पे गोडाउन में यहाँ पे चल रहा था उस वक्त, और उस वक्त मुझे आज भी याद है कि सिर्फ 4 पुलिस महिला कांस्टेबल थी जिसके बदौलत पूरा जिला चलता था, तो आज वो संख्या भी बढ़ी है। तो पुलिस लाइन का अभी अमित बता रहा था कि वहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है, और मैं अभी पुलिस लाइन ही जाऊँगा, देखूँगा। तो ये अच्छी बात है कि हमारे परिवार की जो ज़रूरत होती है पुलिस लाइन की, क्वार्टर्स की, पुलिस लाइन यहाँ पे फुलफिल के तौर से हो रहा है। तो अभी देखते हैं। सर, महाराष्ट्र में आपने नार्कोटिक्स को काफ़ी डील किया था, लीड किया था, यहाँ भी स्मैक का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोई विशेष रणनीति है उसके लिए? महाराष्ट्र में जो मुंबई बेस्ड में एंटी नार्कोटिक्स सेल का इंचार्ज था, तो वहाँ के डायनेमिक्स कुछ ज़्यादा अलग थे। वहाँ पे जो जनरेशन में कंजुम्शन जो था ड्रग्स का, वो स्पेशली मेफेड्रोन का था, MD जिसको बोला जाता है, सिंथेटिक ड्रग है वो। 4-methyl प्रोपेफेनॉन टाइप के जो केमिकल्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, केमिकल शॉप में मिल जाते हैं। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 20,000 से 30,000 किलो में, अगर आपके पास ऑर्गेनिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, तो आप 1 किलो उसमें बना सकते हो, और उसके लिए कोई बड़ा इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहिए। तो आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, अगर 1 किलो आप बनाते हो तो मार्केट में आते आते उसका 20 लाख रुपये हो जाता था, तो जो प्रॉफिट मार्जिन था काफ़ी ज़्यादा था, और उस सिंथेटिक ड्रग का कंजुम्शन का ज़्यादा मात्रा था वहाँ पर, और आज भी है मुंबई में। तो वो काफ़ी डेंजरस ड्रग्स है वो। और मुझे, मैं पहले भी बताऊँ, मुझे वही डर है कि अगर ये स्मैक है, स्मैक जो है जो लोएस्ट क्वालिटी का हीरोइन का प्रोडक्ट है, सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी का, अगर ये स्मैक के बाद अगर ये सिंथेटिक ड्रग के तरफ यूज चला जाता है, और यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके के, क्योंकि अभी पनप तो रहा है, जो सप्लाई चेन है डेवलप तो हो रही है, अगर उधर जाता है तो ये काफ़ी चैलेंज होगा, इसलिए ये पनपने से पहले हमको इनको निपटाना है।